अम्मी आपको ने खाना खिलाकर भेजना चाहिए था, वो दूसरे शहर से आए थे और फिर भाभी के घर वाले हैं। अब इस तरह से कोई अचानक से आ जाएगा तो क्या पका कर रखेंगे उनके सामने? वही घर में सब्जी बनी थी आलू बैंगन, वही देते तो वो सौ सौ बातें करते वो भी और भाभी भी। तो आलू बैंगन भी रखने थे और बाहर से कुछ मंगवाना था, हमारे घर क्या पहले अचानक मेहमान नहीं आए? जो होना था सो हो गया, अगली बार देखा जाएगा। इसको तो देखे, भाभी का चमचा हर वक्त भाभी भाभी करता रहता है और भाभी पूछती तक नहीं, घास नहीं जाती। चमचा नहीं हूँ मैं किसी का, उसूल की बात कर रहा हूँ। तुम अपने उसूल अपने पास रखो, कौन सी कयामत आ गई अगर उन्हें कुछ खिलाकर नहीं भेजा तो। वो मैं चाय के बर्तन धो रही थी। आप रहने दे भाभी, आप अभी आई हैं, इतनी जल्दी आते काम करेंगे? कोई बात नहीं, अपना ही घर है। भाभी भाभी मेरी और अफ्सा की कुछ चीजें थी यहाँ पर। हाँ वो सामने रखी है। तुम लोग यहाँ रहती थी? गर्मियों में ये कमरा ठंडा होता है ना, और जब मंसूर भाई नहीं होते थे तो हम यहीं पे रहती थी। पता नहीं इस घर में आने से मुझे अजीब किस्म की थकन और बेजारी क्यों होने लगती है। क्यों लगता है जैसे मुझे अजनबियों के ग्रुप के साथ कहीं कैद कर दिया गया, जिनकी जबान हरकतों सकनात रवैये आदात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात हो गई आपकी मंसूर से? हाँ हो गई। ठीक थे वो? अल्लाह का शुक्र। कह रहा था कि खारिया में उसके किसी दोस्त की शादी है तो मैं भिजवा दूँ। मैंने तो उसे बहुत समझाया कि क्या जरूरत है इस मौसम में ट्रेनों के धक्के खाने की, लेकिन कहने लगा कि तुम्हारी शिरकत करना जरूरी है। ऐसा करना, अपने साथ साउथ को ले जाना, दो तीन दिन वो वहीं रहेगा और उसके साथ ही वापस आ जाना। जी अम्मी। भला क्या जरूरत है दोस्तों की शादियों में बीवियों को ले जाने की? मैं तो सोच रहा था भाई कि आप मैस लेकर जाएंगे, ये कहाँ लेकर आ गए? अपने घर पे। अपना घर? हाँ, पिछले हफ्ते ही मुझे मिला है। ये आपका अपना घर है? हाँ, मतलब सरकारी घर। कितना बड़ा घर, इतना बड़ा लॉन। भाई अब तो ऐश हो जाएंगे हमारे, मैं तो आपके पास आके रहूंगा। अरे तुम्हें आके रहने की क्या जरूरत है, तुम मुस्तकिल यहीं पर रहो। मच्छर अच्छा है लेकिन हमें इजाजत ही नहीं। अपने भाई के घर में रहने के लिए तुम्हें कौन सी इजाजत की जरूरत है? मंसूर, मेरा ख्याल है कि घर में रंग भी होने वाला है और कुछ मरम्मत की भी जरूरत है। तुम लोग चले जाओगे तो फिर उसके बाद काम करवा लूंगा सारा, बस हफ्ता दस दिन की बात है। फिर आप काम करवाने से पहले क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि मैं चाह रहा था तुम दोनों को सरप्राइज दूं। वैसे भी अपने घर में रहकर घूमने फिरने का मजा ही होता है।